हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस गुरुजी। आज हम केमिस्ट्री के परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। बी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सी ऑप्शन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। डी ऑप्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन एंड डी ऑप्शन फोटॉन। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, फोटॉन। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ए ऑप्शन आपका कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स खनिज यौगिक, बी ऑप्शन आपका मिक्सचर ऑफ मिनरल्स खनिज मिश्रण, सी ऑप्शन आपका नेटिव एलिमेंट्स प्राकृतिक तत्व एंड डी ऑप्शन आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर आपका सी, प्राकृतिक तत्व नेटिव ऑफ एलिमेंट्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय ए ऑप्शन रदरफोर्ड, बी ऑप्शन डॉल्टन, सी ऑप्शन आइंस्टीन, डी ऑप्शन थॉमसन। इसका राइट आंसर आपका ए होगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ए ऑप्शन जे जे थॉमसन, बी ऑप्शन चैडविक, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपका बी, चैडविक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल? ए ऑप्शन न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन फोटॉन इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका राइट आंसर आपका ए, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, सूची एक को दो से सुमेलित करें। तो पहला आपका जीरो मास वन पॉजिट्रॉन, बी फ्रैक्शनल चेन फ्रैक्शनल चार्ज न्यूट्रिनो, फ्रैक्शनल स्पिन क्वार्क, इंटीग्रल स्पिन फोटॉन। मीन्स शून्य द्रव्यमान पॉजिट्रॉन, आंशिक आवेश न्यूट्रिनो, आंशिक प्रचक्रण क्वार्क, पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, 2 3 1 4। मीन्स जीरो मास का न्यूट्रिनो होगा, फ्रैक्शनल चार्ज का क्वार्क होगा, फ्रैक्शनल स्पिन का आपका पॉजिट्रॉन होगा एंड लास्ट डी का इंटीग्रल स्पिन का आपका फोटॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है दो प्रोटॉनों के, बी ऑप्शन हीलियम के एक परमाणु नाभिक के, सी ऑप्शन दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, डी ऑप्शन दो पॉजिट्रॉनों के प्रत्येक पॉजिट्रॉनों में केवल एक धन आवेश होता है। द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन्स,
बी ऑप्शन एन एटम ऑफ हीलियम, सी ऑप्शन सम ऑफ मासेस ऑफ टू पॉजिट्रॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, डी ऑप्शन टू पॉजिट्रॉन्स आर ईच पॉजिट्रॉन कैरीज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, एन एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के एक परमाणु नाभिक के। थैंक यू फ्रेंड्स।